दोस्तों नमस्कार, आपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, हर काम को तीन अवस्थाओं से अवश्य गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। लोगों ने हमारे कम मजाक नहीं उड़ाए, बहुत हंसे हम पर। ऐसे हंसने को तो आज भी अभी भी हंस रहे हैं हम पर, हमारे हर एक बात का विरोध करते हैं। बट इन सब चीजों से गुजरते हुए अब हम वैसे खूबसूरत फेज में इंटर होने वाले हैं जहां हमें और हमारे सक्सेस एंड अचीवमेंट को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होगा उनके पास। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो जो लोग भी हम पर हंस रहे हैं या हमारा मजाक उड़ाते आ रहे हैं, दरअसल गलती उनकी भी नहीं है। अगर हमारे जगह पे वे होते और उनके जगह पे हम होते तो शायद हम भी वही सोचते, वही करते जो वे लोग कर रहे हैं। यह दुनिया की रीत है, किसी भी सफल इंसान को सक्सेसफुल होने से पहले लोगों के उपहास, विरोध का सामना करना ही पड़ता है। उन्हें स्वीकार तो तब किया जाता है जब उन्हें सफलता मिल जाती है। अभी तो कोई भी हम पर मुंह उठा के हंस देता है, अरे कैसे कंपनी के चक्कर में पड़ गए हो जो 3-4 सालों में अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट के सिवा एक फूटी कौड़ी तक नहीं दे सका है, फिर भी आप लोग जान छिड़कते हो उस पर। इससे अपनी जिंदगी बदलने के, अपने सारे सपने पूरे होने के, लग्जरी लाइफ जीने के एंड फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के आस उम्मीद लगाए राह देख रहे हो। एक बार तो बेवकूफ बन ही गए थे फाउंडर पोजीशन के नाम पे $97 देकर, उसके बदले तो एक चवन्नी तक नहीं मिल सका कंपनी से। तब तक फिर दोबारा भी बेवकूफ बन गए सब्सक्रिप्शन के नाम पे पैसे देकर। यह कमीशन आके भी क्या करेगा वैलेट में, जब विड्रॉल लगने के बाद पेमेंट आना ही नहीं है अकाउंट में। लोग 3-3, 4-4 महीनों से अपने वैलेट में आए हुए कमीशन के विड्रॉल लगा के हर दिन हर पल इंतजार कर रहे हैं पेमेंट मिलने का। दोस्त, ऐसे लोगों को क्या पता कि ऑन पैसिव में थोड़ा इसलिए देर हुआ है चीजें शुरू होने में, क्योंकि यहां परमानेंट सॉल्यूशन पे काम हो रहा है। भले हम 2-4 सालों से वेट कर रहे हैं अपनी सफलता शुरू होने का, लेकिन एक बार यह शुरू हो जाने के बाद फिर रुकना नहीं है, कभी डे बाई डे हमें ग्रो ही करते जाना है। फिर जिंदगी में हमें कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी, अपनी जीविका चलाने के लिए किसी अदर अदर काम की तरफ हमें ताकने झांकने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ऑन पैसिव अकेले ही काफी होगा पूरी तरह से हमारे जिंदगी को बदल देने के लिए, हमारे सारे संजोए सपनों को पूरे कर देने के लिए, हमें फाइनेंशियली फ्री कर देने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये सब सिर्फ हम ही तक सीमित नहीं रहने वाला है, ये सारा कुछ हमारे आने वाले कई नेक्स्ट जनरेशन तक को भी मिलने वाला है, क्योंकि ऑन पैसिव कुछ महीनों या कुछ सालों तक ही चलने वाला बिजनेस नहीं है, यह जनरेशन टू जनरेशन तक चलने वाला बिजनेस है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक इंटरनेट को रहना है, और जब तक इंटरनेट रहेगा दुनिया में तब तक ऑन पैसिव को भी रहना है। हम फाउंडिंग मेंबर्स 2 सालों से 3 सालों से या 4 सालों से किस लिए धैर्य रखे हुए हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा दुनिया को, लोगों को जो हम पर आज तक हंसते आए हैं, हमारा मजाक उड़ाते आए हैं, हमें बेवकूफ समझते आए हैं। जब वे रियल में कुछ ही दिनों बाद हमारा जिंदगी बदलते देखेंगे, हमारे गरीबी दूर होते देखेंगे, हमारे बड़े से बड़े सपने पूरे होते देखेंगे, हमें लग्जरी लाइफ जीते हुए देखेंगे, हमें पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखेंगे, तब जाके उन्हें समझ में आएगा कि ये लाखों फाउंडिंग मेंबर्स क्यों सालों से धैर्य रखे हुए थे, क्यों सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ऐसा समझ में उन्हें आएगा कब, जब ऑन पैसिव से हमारे सक्सेस का शुरुआत हो जाएगा, जब हमारे वैलेट में अनगिनत बेशुमार एप्पल्स आने लगेंगे। दोस्त, 16 जनवरी भी बीत गया और 16 जनवरी के बाद क्या कुछ शुरू होने का अनाउंसमेंट किए हैं सीईओ मिस्टर एस ने, ये लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर्स को मालूम है। उन्होंने बीते कॉर्पोरेट वेबिनार में स्पष्ट कहा है कि 16 जनवरी के बाद फर्स्ट राउंड का ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन लिए लोगों को ऑटोमेटिक कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, एंड जनवरी में ही सारे पेंडिंग विड्रॉल के भुगतान हो जाने के बारे में भी कहे हैं सीईओ मिस्टर एस ने। अब सभी फाउंडिंग मेंबर्स को बस यही इंतजार है कि इस महीने ये सब शुरू कब से होता है। इस जनवरी मंथ से किसी ने भी बस यही उम्मीद नहीं लगा लिया है, बल्कि इस जनवरी मंथ में बहुत कुछ होने का अनाउंसमेंट किए हैं सीईओ मिस्टर एस ने। जब मिस्टर एस ने ही इस जनवरी मंथ में बहुत कुछ शुरू हो जाने का अनाउंसमेंट कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी फाउंडिंग मेंबर्स को इंतजार, उम्मीद रहेगा अपनी सक्सेस शुरू होने का, अपने वैलेट में एप्पल्स आने का। अब मिस्टर एस की भी बात हम नहीं माने तो फिर किसकी मानेंगे, अगर उन पे या उनकी बातों पे बिलीव हम ना करें तो फिर किस पे करें। भाई, वे सर्वे सर्वा हैं ऑन पैसिव के, वे जो भी अपडेट्स देंगे, जो भी अनाउंसमेंट करेंगे, जो कुछ भी कहेंगे, हमें सब कुछ मान्य होगा, उनके हर निर्णय का हम स्वागत करेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे एक आईटी एक्सपर्ट हैं या एक कुशल लीडर्स एंड मार्केटर हैं। दुनिया में आईटी एक्सपर्ट या कुशल लीडर्स एंड मार्केटर तो बहुत सारे लोग होंगे, हमें इसलिए उनका हर निर्णय मान्य होगा क्योंकि वो जो कुछ भी निर्णय लेंगे, जो भी करेंगे, हमारे लिए ही करेंगे, हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए करेंगे, हमारे ही जिंदगी बदलने एंड हमारे सारे संजोए सपनों को पूरा करने के लिए करेंगे। दुनिया में तो एक से बढ़कर एक कंपनियों के एमडी, सीएमडी, सीईओ हैं, उन्होंने कहा कभी हमारे सक्सेस एंड अचीवमेंट के बारे में कभी कुछ सोचा है?
कुछ करना तो बड़ी दूर की बातें हैं। उन्होंने कभी हमारे गरीबी खत्म करने के लिए, हमारी जिंदगी बदलने के लिए, हमारे जरूरत और सपनों को पूरे करने के लिए कभी कुछ सोचा भी कहाँ है? और हमने भी कभी ये सब होने के लिए उनसे कोई आस उम्मीद भी कहाँ लगाए हैं? वैसे कंपनियों के एमडी सीएमडी या सीईओ के लिए हम बस एक यूजर्स हैं, एक आम कस्टमर्स हैं, बाकी कुछ भी नहीं। हमारे वजह से उनके जिंदगी बदले हैं, उनके सपने पूरे हुए हैं, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है, वे दुनिया के एक बहुत बड़े ब्रांड बन गए हैं। हम जैसों के वजह से अमीरी के मामले में ये लोग पूरे दुनिया में टॉप 2-5 या टॉप 2-10 या टॉप 200 में रहते हैं, बट उनके वजह से हमारा कहाँ कुछ बदल पाया है, हमें कहाँ कुछ हासिल हो पाया है। और इंटरनेट वर्ल्ड से इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ऑन पैसिव के निर्माण किए हैं सीईओ मिस्टर एस ने। एक ऐसे यूनिक बिजनेस मॉडल पे उन्होंने काम करना शुरू किया है जिससे जुड़ के हर एक आम यूजर्स, आम कस्टमर्स का भी जिंदगी बदलेगा, उसके जरूरत और सपने पूरे होंगे, उसका गरीबी दूर होगा, वह भी फाइनेंशियली फ्री होगा, वो भी लग्जरी लाइफ जिएगा। दोस्त, जो कंपनी अपने यूजर्स एंड कस्टमर्स के बारे में इतना सारा कुछ सोच रही हो, इतना सारा कुछ कर रही हो, वो अपने फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में कितना सारा कुछ सोच रखा होगा हम समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह की बातें कहते सुनते बहुत लंबा सफर तय कर लिया हमने। अब जरूरत है जल्दी से जल्दी सारा कुछ धरातल पे आने का, ताकि हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के वैलेट में एप्पल्स आ सकें और वे अपने जरूरत और सपनों को पूरे कर सकें। साथ ही साथ हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के अकाउंट में कुछ ऐसा वित्तीय सुनामी आए कि आज तक जो लोग ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स पे हंसते आए हैं, उनके मजाक उड़ाते आए हैं, उन्हें बेवकूफ समझते आए हैं, या ऑन पैसिव एंड सीईओ मिस्टर एस के विरुद्ध निगेटिव बातें फैलाते आए हैं, ऐसे लोगों के जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए एंड फाउंडिंग मेंबर्स की उपलब्धियों को देखकर उनके होश उड़ जाए, उनके पांवों के नीचे से जमीन खिसक जाए। अब ऑन पैसिव का हर एक फाउंडिंग मेंबर्स कुछ ऐसा ही होना चाह रहा है, क्योंकि जब तक फाउंडिंग मेंबर्स के वैलेट में कुछ भी एप्पल्स आने शुरू नहीं हो जाएंगे, ऑन पैसिव से उनके जरूरत और सपने पूरे नहीं होने लगेंगे, लोगों की नजरों में फाउंडिंग मेंबर्स के लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव नजर नहीं आने लगेगा, वे लोग बाज नहीं आएंगे अपनी हरकतों से, वे तमाम तरह की फालतू बातें करते ही रहेंगे, ऐसे लोगों के जुबान पे ताला तभी लगेगा जब ऑन पैसिव से फाउंडिंग मेंबर्स के सक्सेस का शुरुआत हो जाएगा। हालांकि घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, वो भी शुभ घड़ी बड़ी जल्द आने वाला है हमारे लाइफ में, जब ऑन पैसिव से बहुत जल्द वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जो सोचा है हमने, जो चाहा है हमने। अब देखते हैं मैनेजमेंट की तरफ से क्या कुछ गुड न्यूज निकल के आता है फर्स्ट राउंड के ट्रैफिक के रिगार्डिंग एंड जो लोग आज से सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके रिगार्डिंग, क्योंकि 16 जनवरी तक तो अधिकतर लोग यही प्रमोट करने में लगे थे कि जो भी फाउंडिंग मेंबर्स लास्ट इस 16 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन ले लेंगे बस उन्हें ही बेनिफिट मिल पाएगा फर्स्ट राउंड में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले ट्रैफिक एंड कमीशन का। कोई भी 31 जनवरी तक इंतजार नहीं करे, वरना उन्हें ये सब लाभ लेने के लिए फिर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेकेंड राउंड का इंतजार करना होगा। हालांकि मैंने 16 तारीख के अपने वीडियो में अपना अनुमान व्यक्त किया था कि देर सवेर ऐसा कोई न्यूज हमें मिल सकता है मैनेजमेंट से कि इस पूरे जनवरी भर में जो भी फाउंडिंग मेंबर्स सब्सक्रिप्शन वाई करेंगे वे लाभ लेने के हकदार होंगे फर्स्ट राउंड में मिलने वाले ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कमीशन का। अब कैसे क्या होता है ये तो मैनेजमेंट या सीईओ के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। आज 360 वेबिनार भी है, हो सकता है इन सब के रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज मिले हमें। हालांकि सीईओ मिस्टर एस के कहने के अनुसार इतना तो लगभग तय है कि इस महीने जनवरी में कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी या सरप्राइज तो हमें जरूर मिलेगा। अभी 13-14 दिन बचे हैं इस मंथ में और होने पर आए तो इन 13-14 दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। दोस्त, निराश या नाउमीद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, भरोसा रखें हमारे आशा और उम्मीदों पर, बहुत जल्द 100% खड़े उतरेंगे सीईओ मिस्टर एस, क्योंकि लगभग वे सारी तैयारियां कर चुके हैं हमारी सफलता के शुभारंभ कर देने के लिए। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसे सोचने दीजिए, कहने दीजिए, हमें ऑन पैसिव से बहुत बड़ी कामयाबी मिल के रहेगा, हम 100% कामयाब होंगे ही होंगे। हमने जो कुछ भी सोचा है, जो कुछ भी चाहा है, चाहे जितने बड़े सपने संजोए हैं वे सब के सब पूरा होंगे। बस अपना धैर्य बनाए रखें एंड ऑन पैसिव और मिस्टर एस पे भरोसा बनाए रखें, ऊपर वाले की कृपा रही तो इसी महीने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी एंड शुरुआत हो जाएगा हमारे सक्सेस का। जीवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।